बॉलीवुड से लेकर साउथ तक धमाल मचाने वाली और अपनी एक्टिंग से लोगों को कायल करने वाली एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज इन दिनों कैमरे से दूर मदरहुड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। हालांकि इलियाना सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, वह अक्सर फैंस के बीच अपनी ग्लैमरस और बोल्ड फोटोज़ के साथ ही अपने बेटे की फ़ोटोज़ भी शेयर करती रहती हैं, जिस पर फैंस भी प्यार लुटाने में पीछे नहीं रहते। लेकिन इसके बाद भी इलियाना के फैंस उनके फिल्मों में वापसी का इंतजार कर रहे हैं और अक्सर एक्ट्रेसेस से सवाल भी करते हैं। नई सूत्रों की माने तो इलियाना अपने पति माइकल डोलन और बेटे संग अमेरिका में शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं और अब वह अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कहने का सोच रही हैं। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि इलियाना चकाचौंध भरी दुनिया को अलविदा कहने वाली है। बताते चले कि एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी रहती है, जहां पर अपने नन्हे से राजकुमार कोआ फिनिक्स डोलन के साथ बिताए पलों को फैंस के साथ शेयर करने से लेकर अपने पोस्ट डिलीवरी वर्कआउट की वीडियो बनाने करने तक एक्ट्रेस अपने फैंस को हर पल की अपडेट देती है। लेकिन इन सब के बीच पता चला है कि इलियाना फिलहाल सिल्वर स्क्रीन पर वापसी नहीं करेंगी। साथ ही वह अपने पति माइकल डोलन और बेटे के साथ हमेशा हमेशा के लिए US में सेटल होने वाली है और अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कहने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि इलियाना ने अपने करियर लाइफ के बजाय अपने फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देने का फैसला किया है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें अपने पति और बच्चे के साथ समय बिताने में ज़्यादा खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो एक्ट्रेस इन सब फिल्म ऑफर्स को एक्सेप्ट करने से बच रही है। वह इन दिनों अपने परिवार के साथ USA में बसने और वहीं अपना लाइफ खुशी से बिताने पर जोर दे रही है। वहीं इलियाना के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म अनफेयर एंड लवली की शूटिंग पूरी की है, जिसमें उनके साथ मुख्य भूमिका में रणदीप हुड्डा है। वहीं एक्ट्रेस को आखिरी बार अभिषेक बच्चन के साथ द बिग बुल में देखा गया था। इस फिल्म को स्टार अजय देवगन ने किया था। हालांकि एक्टिंग से दूर जाने के उनके फैसले के साथ अनफेयर एंड लवली इंडस्ट्री में उनकी आखिरी फिल्म भी हो सकती है।